अभी ये फ्लैशर खुद से ही अपना पैटर्न चेंज करता रहेगा अभी ये ब्लिंकिंग पर आ गया वन बाय वन अब आप देख सकते हैं लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट चल रहा है अब लेफ्ट राइट ब्लिंकिंग पर आ गया फास्ट ब्लिंकिंग. अब ये स्लो ब्लिंकिंग पर आ गया हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय ट्यूब चैनल सो गाइस इस वीडियो में हम इंस्टॉल करेंगे अपनी बाइक में एक हज़ार फ्लैशर आप देख सकते हैं मेरे हाथ में आ पर है मोक्सी का हज़ार फ्लैशर और हज़ार फ्लैशर का काम हमारा ये होता है कि हम इससे जो है चारों इंडिकेटर साथ में ब्लिंक करवा सकते हैं मतलब कि एक टाइम पर जो है हम अपने चारों इंडिकेटर ब्लिंक करवा सकते हैं और वो भी अलग अलग पैटर्न में इसमें हमको सोलह तरह के पैटर्न मिलते हैं जहाँ तक मुझे आइडिया है इसका तो लगा के हम इसको चेक कर लेंगे और इसके साथ जो है मैं एक स्विच भी लगाने वाला हूँ और इसके लिए जो है मुझे अपना वाइज़र ओपन करना पड़ेगा बाकी प्रोसेस सेम रहने वाला है सभी बाइक में जैसा मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा वही सेम प्रोसेस जो है आपकी बाइक में भी रहेगा चाहे आपके पास स्प्लेंडर हो या पल्सर हो कोई भी बाइक हो और देखते रहिए वीडियो का एंड तक तो चलिए सोगा so इस वाइज़र ओपन करने के लिए हमको यहाँ पर ये दो स्क्रू खोलने हैं एक ये दूसरा ये और एक बोल्ट यहाँ पर मिला है हमको और दूसरा बोल्ट यहाँ पर मिला है ये दोनों आमने सामने वाले हमको लूज करने हैं और इनको जो है इन दो स्क्रूज को निकाल लेना है और वाइजर ओपन करने के बाद हमको अपने ये दोनों इंडिकेटर की सिर्फ पॉजिटिव वाली वायर देखनी है ये मेरा राइट इंडिकेटर है तो इसकी वायर यहाँ से होते हुए यहाँ पर जा रही है और ये ब्लैक वाली है ये है नेगेटिव ये ग्रीन वाली है यह है पॉजिटिव इस वाले इंडिकेटर की वायर जो है यहाँ पर जा रही है हमको जो है पीले वाली वायर इनके पॉजिटिव में अटैच कर देनी है अपने दोनों वाले इंडिकेटर के मतलब कि जैसे ये हरा हो गया और इधर से जो है इसका पॉजिटिव ब्लू हो गया तो इन दोनों वायर को मैं एक एक पॉजिटिव में लगा लेता हूँ अपने इंडिकेटर के और फिर हमारे पास बचेगी ये ब्लैक वाली वायर और रेड वाली वायर इसका प्रोसेस ये लगाने के बाद दिखाता हूँ सो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने इस फ्लैशर की एक एक वायर इसके पॉजिटिव में लगा दिया मतलब कि हमारी दोनों येलो वायर जो है दोनों इंडिकेटर के पॉजिटिव में लग चुकी है एक पॉजिटिव हमारा ये रहा जो कि हमारा आप देख सकते हैं यहाँ पर ये लाल सॉकेट में अटैच हो रहा है और एक पॉजिटिव हमारा ये रहा जो कि हमारा ग्रीन कलर में अटैच हो रहा है तो यही सेम प्रोसेस जो है आपको अपनी बाइक पे भी अप्लाई करना है आपको जो है सिर्फ अपने इंडिकेटर्स का नेगेटिव और पॉजिटिव देखना है और फ्लैशर की एक एक येलो वायर जो है अपने पॉजिटिव में दे देनी है जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको दे के दिखाई और अब बची है हमारी यहाँ पर दो वायर्स एक बची है रेड एक बची है ब्लैक तो ब्लैक तो हमारी नेगेटिव में जाएगी और ये बची हमारी रेड वायर रेड वायर जो है मैं इग्निशन में दे दूंगा अपने और फिर बचेगी हमारे पास ब्लैक वायर ब्लैक वायर जो है हमारी अर्थ में जाएगी पर हमको इसका अर्थ ऐसे नहीं करना है हमको इसका अर्थ स्विच के साथ करना है नहीं तो ये डायरेक्ट हो जाएगा फ्लैशर ऑन करने के बाद हमारा इस स्विच का कोई भी काम नहीं रहेगा जब तक हम इसको ऑफ नहीं करेंगे अगर जो हमने इसको ऑन कर दिया और ये स्विच भी ऑन रहा तो हमारा फ्लैशर ही काम करेगा सिर्फ और बाइक का जो है एक बाए, वन बाय वन इंडिकेटर कोई भी काम नहीं करेगा और वाइज यहाँ पर अपनी सारी वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है तो वायरिंग के एक बार फिर से बात कर लेते हैं फ्लैशर में हमको मिली थी दो येलो वायर्स एक येलो वायर जाएगी हमारे एक इंडिकेटर के पॉजिटिव में और दूसरी येलो वायर जाएगी हमारे दूसरे इंडिकेटर के पॉजिटिव में जैसे कि आप देख सकते हैं रेड वाली वायर हमारी जाएगी इग्निशन में जो कि हमने दे दिया जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये यहाँ पर जा रही है तो नेगेटिव को हमने यहाँ पर स्विच के साथ ज्वाइंट किया है स्विच ये रहा जैसे कि आप देख सकते हैं अभी ये ऑफ है अभी मैं इसको ऑन करता हूं और फिर आप देखना अब आप देख सकते हैं इंडिकेटर ब्लिंक कर रहे हैं और बैक साइड भी देख लेते हैं एक बार आप देख सकते हैं सेम प्रोसेस जो है ना बैक साइड भी यही रहने वाला है मतलब कि हमको बैक की कोई भी वायरिंग छेड़ने की जरूरत नहीं है और इसमें कोई भी हमने वायर कट नहीं की वायर कट जो है हमने सिर्फ स्विच की की आप चाहो तो इसको सीधा टेप भी कर सकते हो पर मैंने ये किया है कि स्विच की वायर जो है ना इसके नेगेटिव में लगा दी राइट साइड वाले इंडिकेटर के अगर आप इन वायर्स को उल्टा कर दोगे जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ब्लैक वायर भी हमको स्विच में मिली है अगर आप इस वायर को इसकी जगह लगा दोगे तो होगा ये कि जब आप इसको ऑफ़ करोगे तो ये ऑन हो जाएंगे और ऑन करोगे तो ये ऑफ हो जाएंगे और ये फ्लैशर साउंड भी करता है जैसा आप सुन पा रहे होंगे भी टिक 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 की साउंड करता है ये इन दो कैपिस्टर्स की वजह से आए और वाइज़र यहाँ पर अपना वापस से लग चुका है जैसा कि आप देख सकते हैं स्विच लगाने के लिए हमको इन दो स्क्रूज़ को खोलना पड़ेगा ये हमको यहाँ पर होल्डर मिलता है एक तो इन दो स्क्रूज़ को खोलने के बाद हमको अपना स्विच कुछ इस तरीके से लगा देना है और स्विच भी अपना इंस्टॉल हो चुका है यहाँ पर अब ऑन करते हैं और मीटर पे हमको कुछ ऐसे देखने को मिलता है मीटर पे भी हमको शो होता रहता है कि हमारे इंडिकेटर कैसे ब्लिंक कर रहे हैं अभी मैं पैटर्न चेंज करता हूँ पैटर्न चेंज करने का प्रोसेस हमारा ये रहेगा हम इसको जब भी ऑफ करेंगे अब इसका पैटर्न चेंज हो गया ऑफ करके दोबारा ऑन करूँगा अभी अपने दूसरे पैटर्न पर आ गया मतलब कि इस फ्लैशर की अपनी खुद की मेमोरी नहीं है और ये कोई भी पैटर्न अपने अंदर मेमोरी में नहीं रखता मतलब सेव नहीं रखता तो जैसे हम इसकी चाबी ऑफ़ करेंगे या इस स्विच को ऑफ करेंगे तो इसका पैटर्न चेंज हो जाता है और इस फ्लैशर की प्राइस हमको यही लगभग साढ़े तीन सौ से तीन सौ रुपए के बीच पड़ती है डिपेंड करता है कि आप कौन सी कंपनी पे जाते हैं ये कई कंपनी के फ्लैशर आते हैं ये मैंने मोक्सी कंपनी का फ्लैशर लिया हुआ है और भी कई तरह के आपको एमेजोन पर देखने को मिल जाएंगे और एक बार पीछे से भी बात कर लेते हैं इसकी पीछे से भी हमको सेम इफेक्ट देखने को मिलता है जो हमारा बाइक आगे से इफेक्ट दे रही है हमको पैटर्न हमारा फ्रंट इंडिकेटर पे अप्लाई हो रहा है वही सेम पैटर्न हमारा गाइज़ आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस फ्लैशर का लिंक मैं वीडियो के नीचे दे दूंगा जिनको भी ये फ्लैशर बाय करने का रहेगा आप लिंक पे क्लिक करके एक बार चेकआउट जरूर कीजिएगा तो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में तब तक के लिए बाय